हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के कस्बे सुजानपुर टीरा का संबंध कटोच वंश से रहा है। सुजानपुर को महाराजा संसारचंद की नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर कटोच वंश के राजाओं ने महल, मुरली मनोहर मंदिर और प्रसिद्ध निर्देश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराजा संसारचंद ने सुजानपुर में रहकर प्रदेश के अन्य राजाओं पर भी राज किया था। सुजानपुर को कटोच वंश की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सुजानपुर कस्बे का अपना इतिहास रहा है। इस कस्बे को कटोच वंश की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इस नगरी पर कटोच वंश के राजाओं ने राज किया है और इसे अपनी राजधानी बनाया, जहां पर कटोच वंश के राजाओं ने महलों और प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी उसमें की यादों को ताजा करते हैं। ऐसा ही एक निर्देश्वर मंदिर सुजानपुर में राजा संसार चंद ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया है। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर में शिव परिवार चारों तरफ विराजमान है। आपने देखा होगा कि अन्य मंदिरों में भगवान शिव की एक तरफ से ही परिक्रमा की जा सकती है, लेकिन सुजानपुर में स्थित निर्देश्वर मंदिर में चारों तरफ से परिक्रमा की जा सकती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती मंदिर की दीवारों पर कांगड़ा कला शैली, जो मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। मंदिर की दीवारों पर कला के माध्यम से राजा संसार चंद ने अपने राज दरबार में होने वाली घटनाओं को दर्शाया है कि किस तरह से राजा संसार चंद अपने दरबारियों के साथ सेवाएं करते थे। ये घटनाएं चित्रकला के माध्यम से मंदिर में दर्शाई गई हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर में जो भी श्रद्धालुओं द्वारा मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है, लेकिन विडम्बना ये है कि पुरातत्व विभाग के अधीन होने के बावजूद भी मंदिर की धूमिल पड़ रही नकाशी को नहीं बचाया जा रहा। वही मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने सरकार से इस मंदिर के रखरखाव और कांगड़ा कला शैली को बचाने की गुहार लगाई है। आज हम निर्देश्वर मंदिर है, जो महाराजा संसार चंद की जो पत्नी थी महाराजा संसार चंद की, उसकी याद में जो ये मंदिर है ये बनाया गया है। आज हम इस मंदिर के जो मंदिर है उसके बारे में आज हम दर्शन भी करवाएंगे और इस मंदिर की महत्व जो है वो भी आज आपको बताएंगे कि इस मंदिर में क्या घटित हुआ था, क्या है इस मंदिर का रहस्य। इस मंदिर की जो कलाकृतियाँ, जो कला जो राजा संसार चंद थे वो कला प्रेमी थे, और आज से 400 साल पहले इसमें जो ये बनाया गया था, जो पेंटिंग हुई थी, वो आज भी ये पेंटिंग विद्यमान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पेंटिंग जो है आज बनाई गई है। आज ये शिवलिंग 400 साल पहले महाराजा संसार चंद ने इसकी स्थापना की थी, और यहीं पे पूजा अर्चना जो है महाराजा जो संसार चंद थे उनके द्वारा और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। इस शिवलिंग की ये मुख्य खासियत है कि इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की जा सकती है, जिसका कारण ये है कि इस मंदिर में चारों दिशाओं के कोनों में जो है चारों मंदिर जो हैं इसमें लगे हुए हैं, और ये मंदिर अपने आप में ही अपनी इसकी जो अपना अपने आप में ही एक मसाल जो है बना हुआ है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेंटिंग है, जब घोड़े की पेंटिंग इसमें दिखाया गया है कि एक महाराज अपने भक्तों की सुनवाई कैसे करते थे, कैसे उनसे महाराज संसार चंद मिलते थे, उसका पूरा वर्णन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कांगड़ा का जो किले है उसका वर्णन भी यहाँ पे आपको इन जो कला थे उनको द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि महाराजा संसार चंद एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने कांगड़ा दुर्ग को जीतकर उसमें विजय हासिल की थी और वहां पे भी अपना उत्तरदायित्व स्थापित किया था। वो जो महाराजा संसार चंद थे वो प्रसिद्ध राजा हुए संसार चंद नगरी के। आज हम उस मंदिर के आए हुए हैं, निर्देश्वर मंदिर में, जहाँ पे इस धाम की जो धाम है, नर्मदेश्वर धाम जो है, इसमें यहाँ पे मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती देखी गई हैं। यहाँ पे लोग जो श्रद्धा से और यहाँ पे जो श्रद्धा से लोग मन्नत मांगते हैं वो यहाँ पे पूरी होती है। हर वर्ष यहाँ कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो शिवरात्रि होती है यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, और लोगों की जो यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हेतु यज्ञ भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोग अपने
यज्ञ करवा के और शिव को प्रसन्न करके यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों को श्रद्धा जो है पूरी हो सके। यहाँ पे जो प्रसाद के दिनों में 7 दिन का शिव प्राण भी यहाँ पे कमेटी के द्वारा हर वर्ष किया जाता है और हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। ये प्रदेश का पहला शिव मंदिर है जिसको देखने के लिए लोग देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे देखने के लिए इस मंदिर को आते हैं। यह हमीरपुर जिला का सबसे एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए जो उपायुक्त हमीरपुर है उसके द्वारा भी यहाँ पे इसकी फोटो जो है इस मंदिर पे आप सर्च मार सकते हैं। और ये मंदिर आज पुरातत्व विभाग के अधीन है और इस पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है और हर छोटी से छोटी मतलब जो चीज़ है उस पर निगरानी रखकर ये मंदिर के जो पुरातत्व विभाग है इसकी देखरेख करता नजर आता है। और जहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी पुरातत्व विभाग इसके 100 मीटर के दायरे में करवाना नहीं चाहता था कि इस मंदिर का जो वजूद है जो महाराज संसार चलने से बनाया है वो बचा रहे और ये जो मंदिर है लोगों को आने वाली पीढ़ियाँ इसे देखती रहें। हाँ जी, तो अक्सर आप इस मंदिर में क्या कहेंगे? मैं जी पहले मतलब जैसे कोले टाइम में भी यहाँ पे मतलब रेगुलर यहाँ पे आता रहता था, काफ़ी लोग यहाँ पे आते होते हैं। तो मेरे ख्याल से पता नहीं 300-400 साल पुराना मंदिर है ये, राजा संसार चंद की वाइफ मेरे ख्याल उनका बनाया हुआ था। तो बाकी यहाँ पे मतलब जो आते हैं मेरे ख्याल से उनकी सारी सबकी मुराद पूरी होती है। तो ये मंदिर की बड़ी पुरानी निकासी की हुई है 400 साल पुरानी, तो क्या आपको लगता है इसको संजोने की जरूरत है चीज़ों को? ये तो जी काफ़ी अब पुरानी हो गई है, पर अब जैसे सरकार की तरफ से यानी की तरफ से कुछ हो, क्योंकि इतनी पुरानी है जैसे अगर कोई पिक्चर भी जैसे कुछ मतलब खींचते हैं वगैरह कुछ होता है तो ये इतनी विजिबल नहीं होती, मतलब इसमें दिखती नहीं है। पर अगर पॉसिबल हो तो करानी मतलब बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जैसे धूल मिट्टी भी इसके ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि पहले मतलब मेरे ख्याल राजस्थान के जो मतलब जो शिलाकार थे उनसे उनके द्वारा बनाई गई थी, तो इसको दोबारा से मतलब रेनोवेट कराने की ज़रूरत है। वैसे तो 400 साल पहले राजा संसार चंद ने बनाया था ना, तो अभी तो ऐसा लग रहा है देखे कि मंदिर की हालत थोड़ी ख़राब है, तो लेकिन यहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि इसको अच्छी तरह डेकोरेट किया जाए और अच्छा बनाया जाए। मंदिर ये बहुत ही पुराना मंदिर है, राजा संसार चंद के टाइम का बना हुआ है, लेकिन मंदिर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। तो हमें सरकार से यही कहेंगे कि इस मंदिर के बारे में कुछ सोचा जाए और इसको अच्छी तरह से ठीक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यहाँ आने का आनंद प्राप्त कर सकें। पुरानी नक्काशी और कांगड़ा शैली की है और कांगड़ा शैली से आधारित है, तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पुराना मंदिर है, तो इसके सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। महाराजा संसार चंद ने अपनी पत्नी के नाम पर बनाया है और ये मंदिर को 400 साल पुराना मंदिर है, इसकी रिपेयर की जाए मंदिर की ताकि हर श्रद्धालु आ सके यहाँ पे और हर श्रद्धालु की श्रद्धा पूरी होती है। मंदिर में जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और महाराजा संसार चंद ने अपनी पत्नी के यादगार में बनाया था। मंदिर में आज हालत कुछ खराब है, निकासी चित्रकारी खराब हो रही, क्या मांग करते हैं सरकार से? कि लोग यहाँ पर आए और इसकी रिपेयर के लिए कुछ पैसा मांग करें। मजा बात में करियो मैं आओ करियो इस रखे बैग इतने कुछ कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर।